नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 90 दुकानदारों की रोजी रोटी संकट में, समर्थन देने पहुंचे चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा। पिछले 13 दिन से सिरमौर चौराहे पर व्यापारियों का अनशन लगातार जारी है। उनका साफ तौर से कहना, समदड़िया के हाथों रीवा बेचा जा रहा है। 90 दुकानदारों की रोजी रोटी संकट में शहर समदड़िया को बेच दिया, कहा महापौर अजय मिश्रा बाबा और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने। रीवा व्यापारी संघ न्यास बाजार के 13 दिन से जारी धरना प्रदर्शन में पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए, हम आपको बता दें, सिरमौर चौराहे में बनी दुकानों को तोड़कर वहां पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन व्यापारी संघ कर रहा है। इस धरना प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रेवांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा व रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा धरने में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाएंगे। हम आपको ये बता दें, लगातार 13 दिन से व्यापारी संघ सिरमौर चौराहे में व्यापारियों के धरने में लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसमें आज कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। व्यापारी चाहते हैं उनकी दुकानें ना तोड़ी जाएं, उनका साफ तौर से कहना है। विधायक रीवा व भाजपा सरकार नहीं चाहती हमारी दुकान यहां पर रहे, उनका कहना है। रीवा शहर को समदड़िया बिल्डर के नाम बेचा जा रहा है। सिरमौर चौराहे में बनी 90 दुकानों को हटाकर राजेंद्र शुक्ला कौन सा पाप कर रहे हैं? इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा, 90 दुकानदारों ने बैंक से लोन लेकर दुकानें खोली, उनके परिवार का क्या होगा, उनके कर्जे का क्या होगा जो उन्होंने बैंक से लोन लिया है। आइए आपको सुनाते हैं महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा और कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा। हमारे सिरमौर चौराहे के व्यापारी साथी यहाँ आज 13वां दिन हो गया उनको अनशन पर बैठे हुए, और वो विरोध कर रहे हैं यहाँ जो एक निर्माण कार्य पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर किया जा रहा है, जिसमें उनकी दुकानों को उजाड़ने की प्लानिंग है, उसके खिलाफ वो लोग बैठे हैं। आज हम लोग, हमारे नगर के प्रथम नागरिक रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी के साथ हम सभी कांग्रेस के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे राजेश मिश्रा बब्बू भाई ने हम लोगों को यहाँ बुलाया और बताया इस संघर्ष के बारे में। हम लोगों ने यह देखा कि वाकई इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पर ये ज़मीन तो दी ही गई है बिल्डर को, इनको फ्रंट में जो शॉप पिन लोगों को 2042 तक लीज पे मिली हुई है, उन दुकानों को से इनको हटाकर और कहीं गली में दूसरी दुकान देना ये कतई उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई भी विकास करना है तो विकास का उद्देश्य तो होता है रीवा की जनता के लिए विकास करना। देखिए, सिरमौर चौराहा के व्यापारियों संघ का ये 13वां दिन का क्रमिक अनशन जारी है, और रीवा के डेवलपमेंट और विकास पुरुष कहे जाने वाले रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने एक ऐसा नया कार्य कर दिया है कि अभी तक तो वो ज़मीनें बेचते थे, और उन ज़मीनों को मान लीजिए कहा जाए बेचते थे कि जो कहते थे कि ये अनयूज हैं, इनका उपयोग नहीं है, ये मकान सड़ रहे हैं, ये बिल्डिंगें सड़ रही हैं। पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि रीवा के 90 दुकानदारों की सिरमौर चौराहा से जो यूनिवर्सिटी मार्ग में बनी है उनको चलती दुकानों को गिरवाने की व्यवस्था की जा रही है, अब विस्थापित करके उनको पीछे दिया जा रहा, उसके आगे समदरिया बिल्डर को मॉल बनाने के लिए ये दुकानें दे रहे हैं। ये बहुत अन्याय वाला कार्य है, और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी इनको विस्थापन की नोटिस नहीं दी गई है और न विस्थापित किया जा रहा है। 2042 तक की इनकी लीज भी रिन्यूअल की है नगर निगम ने। ये सभी लोग प्रॉपर हर साल अपना संपत्ति कर, शिक्षा उपकर और कचरा कर भी दे रहे हैं। ऐसे में इन दुकानदारों के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।